नमस्कार, अमरउजाला.com के इस मेरे कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनावों की। दरअसल विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इस घोषणा के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही सभी दल और नेता अपने अपने दावों, वादों और इरादों के साथ मैदान में डट गए हैं। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों ने भी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इन चुनावों को अगले साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। हालांकि हर चुनाव की परिस्थिति, मुद्दे और मतदाताओं की मानसिकता अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, विशेषकर उत्तर भारत के 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को उन मुद्दों का ट्रायल रन जरूर माना जा सकता है जिनको धार देकर सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी गठबंधन इंडिया, विशेषकर कांग्रेस, लोगों के बीच जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर जब विपक्षी गठबंधन से पूछा जाता है कि अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उसका नेता कौन होगा, तो जवाब आता है कि वो मोदी के मुकाबले मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगे। इन चुनावों में भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, इसलिए भाजपा के महिला आरक्षण कानून, जिसको भाजपा नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से संसद में लाया गया था, और कांग्रेस के जाति जनगणना और पिछड़ा कार्ड की पहली परीक्षा इन विधानसभा चुनावों में ही होगी। साथ ही भाजपा ने इन चुनावों में राज्यों के किसी नेता के भरोसे नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे के सहारे लड़ना तय किया है। इसलिए लोकसभा चुनावों से पहले हो रहे इन विधानसभा चुनावों में मोदी बनाम मुद्दे का ये पहला ट्रायल रन साबित हो सकता है। विधानसभा चुनावों से पहले ही कांग्रेस ने जाति जनगणना का अपना कार्ड चल दिया है और राहुल गांधी लगातार जिस तरह पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए उनकी संख्या के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी तय करने की बात हर जनसभा में कह रहे हैं, और उनकी इस बात को न सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत सभी नेता हर सभा में दोहरा रहे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जाति जनगणना कराने का वादा भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया है और कांग्रेस कार्य समिति ने अपना प्रस्ताव पारित करके इस पर मुहर भी लगा दी है। अब ये मुद्दा कांग्रेस के लिए चुनावी मुद्दा बन गया है। भाजपा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं के लिए संसद व विधानसभाओं में 33% आरक्षण को मुद्दा बना रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसमें पिछड़ों के लिए अलग से कोटा तय करने की मांग जोड़कर अपने पिछड़े कार्ड को और धार दे दी है। भाजपा जाति जनगणना को हिंदुओं को बांटने की साजिश करार दे रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संख्या के हिसाब से हक देने की बात को अल्पसंख्यकों के हक को खत्म करने से जोड़कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस अपने मुद्दे को लगातार धार दे रही है। मुद्दों के अलावा इस बार जिस तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा ने बिना कोई चेहरा दिए पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और लोकप्रियता पर लड़ना तय किया है, इससे ये चुनाव मोदी की लोकप्रियता की भी अग्नि परीक्षा बनता जा रहा है। पिछली बार भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे जोर शोर से प्रचार किया था, लेकिन तब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकारें थीं और उनके चेहरे भी थे, इसलिए इन राज्यों में पार्टी की हार का ठीकरा इन तीनों की विफलताओं पर फूट गया था। लेकिन इस बार सीधी तौर पर मोदी का मुकाबला मध्य प्रदेश में कमलनाथ से, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल से और राजस्थान में अशोक गहलोत के अलावा राहुल गांधी और खड़गे से भी है। क्योंकि जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कमलनाथ के मुकाबले मोदी का नाम भाजपा लेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल के मुकाबले भाजपा मोदी को आगे रखेगी और राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत के मुकाबले भी भाजपा का सहारा मोदी ही बनेंगे। फिर कांग्रेस की तरफ खड़गे, राहुल और प्रियंका भी मोदी को ही निशाने पर रखेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के छत्रपों और उसके शीर्ष नेताओं से होगी, इसलिए इन तीनों राज्यों के नतीजों को भी मोदी की लोकप्रियता की कसौटी का पैमाना माना जा सकता है। हालांकि 2018 में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए, तब उन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकारें थीं और ये तीनों राज्य कांग्रेस ने भाजपा से जीते थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के दलबदल की वजह से मध्य प्रदेश में भाजपा ने 1.5 साल बाद अपनी सरकार फिर बना ली थी। इसलिए इस बार भी भाजपा के सामने वही चुनौतियां हैं जो पिछली बार थीं।
यानी पहला सवाल है कि क्या शिवराज सिंह चौहान पार्टी का चेहरा होंगे या नहीं। शिवराज सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान का मुकाबला पार्टी किस तरह करेगी, और अगर शिवराज उसका चेहरा नहीं है तो फिर भाजपा का अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा कौन होगा। भाजपा ने इन चुनौतियों से मुकाबले के लिए ही एक तरफ लंबे इंतजार के बाद शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से फिर चुनाव मैदान में उतार तो दिया है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी से पहले 3 मंत्रियों, 1 महासचिव समेत 7 सांसदों को उतार कर ये संदेश भी दे दिया है कि इस बार पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए कोई एक नाम या चेहरा नहीं दे रही है। दिग्गजों को मैदान में उतार कर पार्टी ने संगठन की गुटबाजी पर भी लगाम लगाने की कोशिश की है। करीब 18 साल से राज्य में सत्ता पर काबिज रही अपनी सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की नाराजगी को कमजोर करने के लिए भाजपा ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही अपना चेहरा बनाकर पार्टी के चुनाव निशान कमल को आगे कर दिया है। उम्मीदवारों की घोषणा में कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए भाजपा ने अपनी 3 सूचियां जारी कर दी हैं। उधर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक शैली के अनुरूप किसी नाम और चेहरे की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में पूरा चुनाव जिस तरह लड़ा जा रहा है उससे स्पष्ट है कि चुनाव जीतने पर कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे। सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कमलनाथ को अब राज्य में कोई चुनौती भी नहीं है, क्योंकि दूसरे बड़े नेता दिग्विजय सिंह खुद को काफी पहले मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर कर चुके हैं। इस बार कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें ना के बराबर आ रही हैं, और कांग्रेस अपनी सरकार गिराए जाने को मुद्दा बनाकर जनता की सहानुभूति भी बटोरना चाहती है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के मुताबिक ग्वालियर चंबल संभाग और विंध्य एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में कांग्रेस को इसका लाभ मिलता भी दिख रहा है, लेकिन महाकौशल और मालवा निमाड़ क्षेत्र में उसकी भाजपा के साथ कांटे की टक्कर है, जबकि भोपाल क्षेत्र में भाजपा का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। राजस्थान में भी भाजपा 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है, जिसमें अभी तक वसुंधरा राजे समर्थकों को नाम मात्र की जगह ही मिली है। पार्टी ने यहां भी अपने कुछ सांसदों को मैदान में उतार दिया है, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर और जयपुर राजघराने की राजकुमारी सांसद दिया कुमारी भी शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चुनाव की कमान न सौंप कर भाजपा ने यहां भी सामूहिक नेतृत्व और नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा राज्य में गहलोत सरकार के कामकाज, विधायकों के खिलाफ नाराजगी और कांग्रेस में गहलोत पायलट गुटबाजी का फायदा उठाना चाहती है। साथ ही इस राज्य में हर 5 साल में सरकार बदलने का जो रिवाज रहा है, भाजपा को उस रिवाज पर भी भरोसा है। उधर अशोक गहलोत ने पिछले करीब 1.5 साल से कई तरह की लोक लुभावन योजनाओं के जरिए लोगों का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश की है। उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिरंजीवी योजना काफ़ी लोकप्रिय है। सचिन पायलट से फिलहाल उनका संघर्ष विराम है। गहलोत को भरोसा है कि उनकी इन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से राज्य की जनता फिर उन पर भरोसा जताएगी और कांग्रेस फिर सरकार बनाकर इस बार रिवाज बदल देगी, राज नहीं बदलेगा, ऐसा कांग्रेस का दावा है। कांग्रेस ने भले ही यहाँ भी किसी चेहरे की घोषणा नहीं की है कि सरकार बनी अगर तो कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन जिस तरह पूरा चुनाव अशोक गहलोत के नाम, काम और चेहरे पर केंद्रित हो गया है, उससे साफ है कि कांग्रेस अगर जीती तो गहलोत ही फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पूरा चुनाव अभियान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर, उनके चेहरे पर, उनकी रणनीति के इर्द गिर्द पर है। राज्य के दूसरे बड़े नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे टीएस सिंहदेव बाबा को उप मुख्यमंत्री बनाकर संतुष्ट कर दिया गया है। जिस तरह पूरे 5 साल भाजपा ने यहाँ भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ किसी तरह का न कोई आंदोलन किया, ना ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सक्रिय रहे, उससे भाजपा शुरुआती दौर में पिछड़ती दिख रही थी, लेकिन हाल ही में उम्मीदवारों की सूची जारी करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं ने पार्टी में जान डालने का काम किया है। यहाँ भी भाजपा बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ रही है। यहाँ भी पार्टी के तारणहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, उनकी लोकप्रियता और पार्टी के निशान को आगे करके सामूहिक नेतृत्व के नारे के साथ भाजपा मैदान में है। कांग्रेस को अगर बघेल सरकार की किसान, आदिवासी और युवा कल्याण योजनाओं के बलबूते पर जीत का भरोसा है, तो भाजपा सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को मुद्दा बना रही है। अब चलते हैं दक्षिण भारत, जहां के राज्य तेलंगाना में सबसे दिलचस्प चुनाव हो रहा है। यहां जिस तरह मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राज समिति, जिसे पहले तेलंगाना राज समिति का नाम दिया गया था, उसका दबदबा है, उसे इस बार कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने यहाँ खासी सक्रियता दिखाई थी और कांग्रेस लगभग निष्क्रिय थी,
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के आक्रामक बयानों से राज्य का माहौल गर्मा गया था और लग रहा था कि भाजपा ही बीआरएस को चुनौती देगी, लेकिन कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत ने राज्य का माहौल बदल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की जन यात्राओं को मिली सफलता और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभाओं व हैदराबाद में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद हुई रैली में सोनिया गांधी को सुनने उमड़ी भीड़ ने बीआरएस के मुकाबले कांग्रेस को ला दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में जनसभाएं भी की हैं, लेकिन भाजपा कांग्रेस के मुकाबले पिछड़ती नजर आ रही है और इसीलिए तेलंगाना में कई बीआरएस और भाजपा के नेता लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम की चर्चा करना भी जरूरी है, वो भी पांचवां राज्य है जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मिजोरम में सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट के सामने फिलहाल कोई चुनौती दिख नहीं रही है, पिछली बार कांग्रेस वहां चुनाव हार गई थी, लेकिन मणिपुर के संकट ने पूर्वोत्तर में भाजपा की छवि को थोड़ा कमजोर किया है और इसका फायदा यहां कांग्रेस को मिल सकता है और उसके कुछ विधायकों की संख्या बढ़ सकती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि मिजोरम में उसकी अगर सरकार नहीं भी बनी तो वो कम से कम नंबर दो पर रहेगी और मिजो नेशनल फ्रंट को अच्छी टक्कर देगी। अब ये चुनाव और इनके नतीजे आने वाले दिनों की राजनीति को किस हद तक प्रभावित करेंगे ये तो 3 दिसंबर के बाद हमको पता लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इन चुनावों से जो माहौल बनेगा, जो पार्टी जो खेमा जीतेगा उसके कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ेगा, जो हारेगा उसके मनोबल पर फर्क पड़ेगा, लेकिन उसको अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा और उसके बाद अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों की भी साथ पूरी तरह बीत जाएगी और तब हम फिर चर्चा करेंगे लोकसभा चुनावों पर। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, एक बार फिर आप सबको नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।